तारीख 26 नवंबर साल 2008। जी हाँ, ये वो तारीख है जब मुंबई एक चरमपंथी हमले का शिकार हुआ था। लश्करे तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों और इमारतों पर इस दिन हमला कर दिया था, जो 4 दिनों तक चला। उस काली रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। हमलावरों ने मुंबई के 2-5 सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उस काली रात को हुए आतंकी हमले की आज 14वीं वर्षी है। इसे भारत के इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आतंकियों ने इस दौरान 160 से ज्यादा लोगों की जाने ले ली थी। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि मुंबई में उस दिन आखिर क्या क्या हुआ था। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। वहीं कुछ लोग मरीन ड्राइव पर हमेशा की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवाओं का लुफ्त उठा रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकियों ने मुंबई की धरती को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए, लेकिन ये तारीख भारतीय इतिहास का ऐसा भयावह दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से भी अधिक घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी भारत आए थे वह भी भारतीय थी। रात के तकरीबन 8 बजे आतंकी कुलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहां से ये आतंकी 4 समूहों में बट गए और टैक्सी लेकर अपने अपने मंसूबे को अंजाम देने अपने मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को भी शक हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने तब इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसके बाद पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली, जिसमें बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में से एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक लगातार गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। आपको बता दें कि आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक ही सीमित नहीं रही। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना। इतना ही नहीं, विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री भी मारा गया। तो वहीं इससे करीब 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इस तरह के धमाके की खबर मिली। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की कहानी यही खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में से मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब यह हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकला हुआ धुआं बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान ही बन गया। इस हमले के दौरान 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। साथ ही कई लोगों को वहां बंधक बनाया गया था। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन इसमें एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था।
और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन तब तक 160 से अधिक लोगों की जाने जा चुकी थी। इस हमले के पीछे कई मासूमों की जाने गई और कितने ही जवान शहीद हुए। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह मोटे अक्षरों में छप गया है, जो कभी मिट नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।